फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेडिफाई। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो वो क्यों बढ़िया है मैं वो बताऊँगी और बेसिक से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊँगी। पहले एक छत्तीसगढ़ एक स्टेट नहीं था, काफ़ी बाद वो एक जाके स्टेट बना, उसके बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ जिसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो वो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा जो सीट्स है वो कितने हैं और राज्यसभा के टोटल कितने सीट्स हैं, इनका आंसर आपको बताना है। कि मुझे भी पता चले कि आप कितना वीडियो देख रहे हैं और कितना इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम छत्तीसगढ़ के बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट आता है कैपिटल, कैपिटल है रायपुर और स्टेटहुड, ये पहले स्टेट नहीं था, पहले ये मध्य प्रदेश में अटैच था, फिर ये बाद में अलग होके 1 नवंबर 2000 को ये अलग होके एक छत्तीसगढ़ अलग से स्टेट बना। फिर डिस्ट्रिक्ट है 27, आपको टोटल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। गवर्न है अनुसुईया उइके, ये अभी प्रेजेंट में वहाँ पे काम कर रही हैं। सीएम है भूपेश बघेल, वो भी अभी सीएम बने हुए हैं। हाई कोर्ट आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा। फिर है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे यूनिकैमरल है तो आपको 90 सीट्स टोटल देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5 आपको सीटें मिलेंगी। लैंग्वेज, वहाँ का ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी है और लिटरेसी रेट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 70.25%। और एरिया, टोटल जो एरिया है मतलब टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 135,192 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हम लोग पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 2.56 करोड़, मोर देन इसका पॉपुलेशन है। फिर है एनिमल, वाइल्ड बफेलो, ये काफ़ी बड़ा होता है आप देख सकते हैं। बर्ड है हील मैना, ये इसका जो होठ है जो चोच है आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा और बॉडी जो है वो ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। फिर फ्लावर है लेडीज स्लीपर, ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। ट्री है शाल और रिवर, यहाँ पे दो बड़ी रिवर है, एक महानदी एंड रिहान, ये सबसे बड़ी नदियाँ हैं। फिर है डांस, यहाँ पे फोक डांस बहुत सारे हैं लेकिन ये जो 5 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है शैला, कर्मा, सुआ नाच, पंदवनी एंड पंथी डांस, ये सारे इम्पॉर्टेंट फोक डांस है छत्तीसगढ़ के। तो अब हम लोग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर माइनिंग इन सब के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है या खेतीबाड़ी होती है उनके बारे में। फर्स्ट है इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या इंडस्ट्री है, माइनिंग मतलब खुदाई, जो भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है वो सब, एग्रीकल्चरल एनर्जी और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, वहीं से पूरा पैकेट होकर बन के निकलता है और मार्केट में आपको मिलता है। फिर है माइनिंग है, सॉरी मिनरल्स है जिसमें कोल, आयरन ओर, डोलोमाइट, टीन, डायमंड, बॉक्साइट एंड गोल्ड एंड चाइना क्ले, मतलब आपको चाइना क्ले का बहुत सारा देखिएगा कि प्लेट और पॉट ये सब आपको देखने को मिलेगा कि, और उसमें डिज़ाइन जो रहती है वो काफ़ी अच्छी होती है और वो ज़्यादातर इतनी आसानी से टूटती भी नहीं है। तो आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि चाइना क्ले किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, राइस, मेज़, कॉटन एंड ऑयल सीड्स, ये यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उगती है। फिर है नोन फॉर, ये किस लिए जाना जाता है, छत्तीसगढ़ को किस लिए जाना जाता है, राइस बोल ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो धान की जो खेती होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इसलिए यहाँ पे राइस बोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मतलब पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ में चावल की जो खेती होती है, धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब हम लोग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इन सब के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है नेशनल पार्क, यहाँ पे 3 मेन नेशनल पार्क है, फर्स्ट है इंद्रावती, कांगार वैली एंड गुरु घासीदास, ये उसका नाम है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मर अमरकंटक, ये उसका पूरा नाम है, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। फिर है टाइगर रिजर्व इंद्रावती, ये आपको नेशनल पार्क में भी देखने को मिलेगा और टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगरों को रखा जाता है, उनकी जो काउंटिंग है उसको बढ़ाने के लिए। एलिफेंट रिजर्व, यहाँ पे आपको दो एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेगा, उसका नाम है लेमरू बादलखोर तमर पिंगला, ये इसका नाम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो आप इसका नाम एक बार देख लीजिएगा अच्छे से,
बोलने में काफ़ी आपको दिक्कत हो सकता है। फिर है लास्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेंचुरीज देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम लोग वो बताने के लिए वो बता रहे हैं, सीता नदी, भैरमगढ़, अचानक मार, नरसिंहगढ़, उदांती वाइल्ड बफेलो, ये पांच जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके नाम भी आपको अच्छे से याद करने होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, या कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको फ्यूचर की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी मिलेगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो गोवा के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक।